वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें डीन एम्ब्रोस की एंट्रेंस देखने को नहीं मिली इस रॉ में जब शील्ड की हो रही थी, और हम बात करेंगे कि क्या कुछ देखने को मिला हमें रोमो रेंस डीन एम्ब्रोस थ्रोनस के साथ, और डीन एम्ब्रोस के हील टर्न के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस रॉ की स्टार्टिंग में सबसे पहले डॉग्स ऑफ वॉर की एंट्रेंस देखने को मिलती है। वो रिंग में पहुँच कर कहते हैं कि हमारा काम है शील्ड को डिस्ट्रॉय करना, और हम वही करेंगे अपने क्वालिफायर मैच में। और इसके बाद हमें शील्ड की अपीयरेंस देखने को मिलती है। शील्ड मतलब सेथ रॉलिंस और रोमन रिंग्स। जी हाँ, इस अपीयरेंस में डीन एम्ब्रोस नहीं थे, सिर्फ रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस ही आए थे। जैसे कि आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू रख रही है डीन एम्ब्रोस के हील टर्न की स्टोरी लाइन, उसी के रिलेटेड ये था एक सीन। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर ये दिखाना चाहती थी कि डीन एम्ब्रोस अभी भी संतुष्ट नहीं है द शील्ड के साथ। तो हमें इसके बाद मैच होता हुआ दिखाई देता है, और वो होता है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। ये मैच काफी अच्छा चलता है, लेकिन इस मैच के एंड में जब डॉल्फ ज़िगलर डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को, और ये डिस्ट्रैक्शन किसी हद तक पहुंच जाती है, और सेथ रॉलिंस की हेल्प करने आते हैं डीन एम्ब्रोस। मतलब वो अटैक करते हैं डॉल्फ ज़िगलर को, और इन द एंड सेथ रॉलिंस कर्व स्टॉप मारते हैं ड्रू मैकइंटायर को, और ये मैच काउंट डाउन से जीत जाते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस क्वालिफाई हो जाते हैं टूर्नामेंट के लिए जो होने वाला है क्राउन ज्वेल में। मतलब सेथ रॉलिंस जीते ये मैच विद द हेल्प ऑफ डीन एम्ब्रोस। तो इसके बाद बारी आती है डीन एम्ब्रोस की। मतलब डीन एम्ब्रोस का मैच होता है डॉल्फ ज़िगलर के साथ, और ये भी एक क्वालिफायर है। तो इस मैच के एंड में जब ड्रू मैकइंटायर इस मैच में इंटरफेरेंस करते हैं और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं डीन एम्ब्रोस को, तो उसी वक्त आते हैं सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोस की हेल्प करने। लेकिन ये हेल्प थोड़ी भारी पड़ जाती है डीन एम्ब्रोस को। मतलब सेथ रॉलिंस की हल्की सी डिस्ट्रैक्शन से डीन एम्ब्रोस अपना ये मैच हार जाते हैं। यहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ बहुत ही उल्टा हुआ, वो आए थे डीन एम्ब्रोस की मदद करने, लेकिन वो डॉल्फ ज़िगलर को क्वालिफाई कराकर चले गए। लेकिन इसके बाद हमें कई हिंट देखने को मिले डीन एम्ब्रोस के हील टर्न के और डीन एम्ब्रोस के बीच, जब वो एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। तो इसके बाद बैनर को बनने के मैच कन्फर्म करते हैं, और वो ये है कि शील्ड वर्सेस डॉग्स ऑफ वॉर। तो ये होता है इस रॉ का मेन इवेंट। तो यहाँ पर सभी फैंस कन्फ्यूज थे कि क्या डीन एम्ब्रोस इस मैच में आएंगे। तो इस कन्फ्यूजन को डीन एम्ब्रोस ने दूर किया जब उन्होंने शील्ड को ज्वाइन किया एज ए टीम करके। तो इस रॉ में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे हमें कन्फर्म होते हुए दिखाई दिया कि डीन एम्ब्रोस का हील टर्न लगभग कन्फर्म ही है। लेकिन इन द एंड इस मैच को जीतते हैं द शील्ड, डॉल्फ ज़िगलर को डीन एम्ब्रोस इस मैच को जीतते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मैच में शील्ड डालते हैं अपना ट्रिपल पावर बॉम्ब डॉल्फ ज़िगलर को, और उसके बाद पिन करते हैं डीन एम्ब्रोस। तो मतलब इन द एंड डीन एम्ब्रोस सेम पेज पर आ चुकी है। तो यहाँ पर फैंस के लिए कन्फ्यूज करने वाली बात यह है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चला रही है डीन एम्ब्रोस के हील टर्न वाली स्टोरी लाइन, तो यहाँ पर हमें शील्ड वर्सेस डॉग्स ऑफ वॉर के मैच के एंड में डॉग्स ऑफ वॉर का ब्रेकअप देखने को मिला। जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शील्ड का ब्रेकअप हो, लेकिन यहाँ पर डॉग्स ऑफ वॉर का ब्रेकअप हो चुका है जब ब्रॉन स्ट्रोमन ने रनिंग पावर स्लैम दी डॉल्फ ज़िगलर को, और इसके बाद ड्रू मैकइंटायर देते हैं अपनी किक ब्रॉन स्ट्रोमन को, और ये ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि डॉग्स ऑफ वॉर ब्रेकअप। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन चला रही है डीन एम्ब्रोस के हील टर्न की, वो सही है या गलत। तो यदि आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें।